नंबर्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर टू पार्ट्स. हमने टू पार्ट्स कंप्लीट कर दिए. दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव टू सॉल्व एंड देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स टेक्स्ट बुक. ओके, ये वाले जो है वी हैव टू कंप्लीट द बॉक्सेस लाइक टेंस वंस एंड दिस वन इज फॉर नंबर. इसमें टेंस कितने हैं वो लिखने हैं, वंस कितने हैं वो लिखने हैं और फिर पूरे का पूरा नंबर यहाँ लिखना है. जबकि ये वाले जो एड एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं हम पहले अप टू 50 तो कर चुके हैं पर ये चैप्टर में हमें 1 to 100 पूरा कवर करना है. तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. हाउ मेनी टेंस आर देयर? तो 1, 2, 3, 4. ये जो बंडल बने हुए हैं ये पहले भी डिस्कस हो चुका है. ये जो बंडल बने हुए हैं वो पूरे कितने के हैं? 10 के हैं. तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे ही काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40. या फिर हाउ मेनी टेंस आर देयर? तो 1, 2, 3, 4. सो वी विल राइट हियर 4. एंड यहाँ जो सेपरेट लाइंस दी हुई है वो है हमारे वंस. तो लेट्स काउंट द वंस 1, 2, 3, 4. तो विच नंबर इज देयर? 4, 4. तो वी विल राइट हियर 4, 4, 44. तो एक बार चेक कर लो ये 44 हो रहा है कि नहीं. 10, 20, 30, 40 एंड देन वंस आ रहा है. तो 41, 42, 43 एंड 44. नाउ अनदर एग्जांपल इज हियर. लेट्स काउंट हाउ मेनी टेंस आर हियर. कितने टेंस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ जो टेंस लिखा हुआ है वो बॉक्स में हम लिखेंगे 9. अब क्या फिल करना है हमें? वंस. तो हम क्या करेंगे? वंस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4. ओके, तो विच नंबर इज देयर? 94. लेट्स चेक इज इट 94. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93 एंड 94. दैट मीन्स अगर हमें इस तरह का बंडल दैट इज टेंस और सेपरेट स्टिक्स दैट इज वंस डिफरेंट दी हुई हो तो हम डायरेक्टली टेंस और वंस को काउंट करके भी पूरा नंबर काउंट कर सकते हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक एक स्टिक काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 पूरा 90 तक काउंट करेंगे और फिर 4. ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है? पूरा बंडल दिया हुआ है दैट इज द बंडल ऑफ 10, 20, 30. हमें इस तरह भी काउंट कर सकते हैं या फिर टेंस और वंस को सेपरेटली काउंट करके भी नंबर लिख सकते हैं. तो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. हाउ मेनी टेंस आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. वी विल राइट हियर 6. एंड हाउ मेनी वंस आर देयर? देयर इज नो लाइन. कोई भी सेपरेट लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0. तो विच नंबर विल बी हियर? 6, 0, 60. तो यहाँ पे जो है हमारी वर्कशीट कम्प्लीट हो रही है. अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ. लेसन 11 नंबर्स. ओके, यहाँ पे जो मैंने आपको एड एंड फिल इन द बॉक्सेस करवाया उसी तरह के ही कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. लेट्स सी वन एग्जांपल. यहाँ पे देखो बंडल्स जो बने हुए हैं वो किसके हैं? टेंस के. तो हाउ मेनी टेंस? 1, 2, 3, 4. हियर 4 इज रिटन एट टेंस प्लेस. देन हाउ मेनी वंस आर देयर? देन 1, 2, 3, 4, 5. तो 5. तो ये टोटल कितने हैं? 45. देखो 10, 20, 30, 40 और देन 41, 42, 43, 44 एंड 45. ये आपका पहले भी ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हुई है. तो यहाँ पे देखो क्या है? राइट द नंबर. दैट मीन्स वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टेंस, नंबर ऑफ वंस एंड कंप्लीट द नंबर. फिर यहाँ पे क्या है? ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस ऑफ द नंबर. दैट मीन्स हमें बंडल भी ड्रॉ करने हैं और वंस भी ड्रॉ करने हुए हैं करने हैं. तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ नंबर दे दिया है 43. अब 43 में से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने बंडल्स ड्रॉ करने हैं और कितनी स्टिक्स मतलब सेपरेट लाइंस ड्रॉ करनी है, कितने वंस ड्रॉ करने हैं. तो देखो ये साइड जो होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये साइड जो होता है वो होता है टेंस. तो टेंस कितने हैं? 4. तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे भी और 4 बंडल्स भी ड्रॉ करेंगे. देन हाउ मेनी वंस आर देयर? 3. तो यहाँ पे हम 3 वंस भी ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे भी वंस में 3. ओके, इसी तरह से ये दूसरे एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे. ये देखो यहाँ पे
एक भी वंस नहीं दिया हुआ है, टू टेंस और यहाँ पे वन एक भी नहीं ड्रॉ किया हुआ है, दैट मीन वंस इज जीरो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। इसी तरह से हम ये दूसरे एग्जाम्पल्स भी जहाँ पे ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे लिखना है वहां पे लिखेंगे। ये साइड जो नंबर होता है वो होता है टेंस, तो टू है तो यहाँ पे टू टेंस बनाया और ये टू है तो यहाँ पे टू वंस बनाया। इस तरह से हम नंबर भी सेपरेट करने हैं, फिर ड्राइंग भी करनी है और जहां ड्रॉ किया हुआ है वहां हमें टेंस और वंस सेपरेट करके और फिर नंबर लिखना है। नाउ राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस, ये सेम एग्जाम्पल्स है जिस तरह हमने ऊपर वाले पेज में देखा या व्हाइट बोर्ड पे देखा था। ये नंबर ऑफ टेंस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 टेंस एंड 1 वंस, तो यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 51। फिर टेंस और वंस है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 टेंस और 1, 2, 3, तो 3 वंस, तो क्या हो गया 73। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हमें कंप्लीट करने हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पेज नंबर्स फ्रॉम 51 to 70, 51 to 70 के जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि 51, तो 51 लिखेंगे, यहाँ पे 52, तो 5 हंडल्स तो ड्रॉ किए हुए हैं पर 2 सेपरेट वंस ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 2 वंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 53, तो 3 वंस ड्रॉ किए हुए हैं पर 5 टेंस ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 5 टेंस ड्रॉ करेंगे। देन 54, तो 5 ये ड्रॉ किया हुआ है पर 4 वंस ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे 4 वंस ड्रॉ करने हैं। ये आपके लिए बाकी रखा है कि आपको खुद यहाँ पे 4 वंस ड्रॉ करने हैं। और इसी तरह से ही दूसरे एग्जाम्पल्स जहाँ पे जो लिखना बाकी है तो हम लिखेंगे, ड्रॉ करना बाकी है टेंस तो टेंस ड्रॉ करेंगे, वंस ड्रॉ करना बाकी है तो वंस ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से ही यहाँ पे 61, 62 पूरा कंप्लीट करना है आपको 70 तक। कुछ कुछ मैंने जानबूझ के ड्रॉ नहीं किए हुए हैं या लिखे नहीं हैं, वो आपको खुद करना है, दैट इज फॉर योर एक्सरसाइज। नाउ नंबर्स फ्रॉम 71 to 90, तो इसी तरह से ही जैसे ऊपर हमने कंप्लीट किया था 51 to 70, तो यहाँ पे आएगा 71 to 90। जितने टेंस हैं उतने टेंस काउंट करने हैं, वन है तो वंस, जहाँ पे जो लिखना बाकी है वो कंप्लीट करके लिखेंगे, लिख के कंप्लीट करेंगे एंड देन जहाँ पे जो ड्रॉ करने बाकी है वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये पेज भी आपको घर पे कंप्लीट करना है। उसके बाद 91 to 100, इसमें भी सेम ही एक्सरसाइज है, कहीं पे वंस ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, कहीं पे टेंस ड्रॉ नहीं किए हुए हैं और कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो वो सब हम खुद कंप्लीट करेंगे। अब देखो 99 के बाद एक चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है सारे टेंस हैं, यहाँ पे भी एक बंडल बना हुआ है, दैट मीन्स देयर इज नो वंस, एक भी वंस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, देखो 1, 2, तो हम सारे के सारे बंडल्स काउंट कर लेंगे, सारे के सारे बंडल्स काउंट कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमने यहाँ पे टेंस की जगह पे 10 लिखा। अब वंस की जगह पे क्या है, वंस की जगह पे एक भी सेपरेट वन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि वंस 0 हो गया और टेंस की जगह पे हमने लिखा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बंडल है, तो कौन सा नंबर बन गया, अपने आप 100 बन गया, क्या बन गया 100। अब इसके बाद जो सेपरेशन होता है, जैसे हमने वंस और टेंस सीखा तो उसके बाद आता है वंस टेंस एंड देन हंड्रेड्स, पर ये हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं सेकंड स्टैंडर्ड में सीखेंगे। पर ये 10 बना कैसे, तो 10 के 10 बंडल है इसलिए हमने टेंस के प्लेस पे 10 लिखा और एक भी वन नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा। नाउ राइट द मिसिंग नंबर्स, ये 51 से 100 तक हमें कंप्लीट करने हैं और ये नंबर्स हमने वर्कशीट में कंप्लीट किए हैं, तो ये जो नंबर्स मिसिंग है वो दैट इज होमवर्क फॉर यू। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको वर्कशीट का पीडीएफ और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।